नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज एक इतना जबरदस्त खुलासा इस शो में होने जा रहा है जो आपको चौंका देगा। मुझे भी चौंका दिया गया जब मुझे जानकारी मिली। फोन पे बात हो रही थी तो उधर से जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम संघ में होने जा रहा है और संघ एक ऐसी रणनीति पे काम करने जा रहा है जो मोदी जी और शाह का तापमान बढ़ा देगा। मैंने क्या पूछा, क्या हुआ? राजीव रंजन जी थे उधर से, नागपुर से बोल रहे थे, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़ी जानकारी, गहरी जानकारी रखते हैं। मुझसे बोलते हैं कि मेरे को बड़ा विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि संघ चाहता है कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। अब मैं चौंका, वो संजय जोशी जिनकी सेक्स सीडी को लेके बहुत चर्चा हो गई थी, नाम उसमें गुजराती बंधुओं का आया था कि ये लोगों का हाथ था उसको बंटवाने के पीछे, लेकिन पता चल नहीं पाया। बाद में वो सीडी फर्जी निकली, लेकिन संजय जोशी का कैरियर खत्म हो गया। ये बात मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो एक्टिव हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र राजीव रंजन के थे तो राजीव रंजन ने बताया वो तहलका मचा देगा। ये बहुत बेबाक बातचीत आज इस इंटरव्यू में है। पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको मजा आएगा और आपको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा धमाका हो गया राजनीति में। मोदी जी के जीवन का, जब वो एक राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है उनका, 2-2.5 साल के और सक्रिय राजनीति बची है, उसमें उनको ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। चलते हैं राजीव रंजन जी के पास और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए राजीव जी की बात सुनते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है श्रीमान राजीव भाई आपका। श्रीमान इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी धमाकेदार खबर लाते हो आप कि श्रीमान कहने को मजबूर हो जाए कोई भी इंसान। नागपुर में रहते हो, काश हम भी नागपुर में रहते तो हमें वहाँ के संतरे खाने को मिलते हो, संतरे से भी ज्यादा कभी कभी आरएसएस के दफ्तर में पूरी कचौड़ी भी खाने को मिल जाती। पता नहीं आप जाते हो या नहीं जाते हो, मुझे बुलाया मैं तो चला जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, मैं कार्यक्रम में गया तो मुझसे बड़े सीनियर लोगों ने कहा कि तुम उस कार्यक्रम में जा रहे हो, बड़ा खराब बात है, वो संघ से और बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं कहा भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं संघ और विचार बीजेपी से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं उस विचारधारा का विरोध करता हूँ, मैं गांधी जी के उस परंपरा का अनुयायी हूँ जो कहते हैं पाप से गणना करो, पापी से नहीं। तो मैंने कहा संघ वाले अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, बात यही कहूंगा, उनके कार्यक्रम में जाऊंगा, कहूंगा इनकी विचारधारा बड़ी खराब है, जाऊंगा जरूर। तो बात इससे हो रही थी कि आप नागपुर में और संघ में और संघ के अंदर की बड़ी बड़ी धमाकेदार खबर आपने 4PM पे खुलासे किए और खबर शब्दशः सत्य हुई है। मोदी जी जब गए थे नागपुर में और रात को क्या हुआ था, पहली बार जो रुके थे वो भी सबसे पहले 4PM में आपने खुलासा किया। आज आपने मुझे फोन पे जो बात बताई है वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ बात का जिक्र, पहले आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कैसे मेरी ये जानकारी जो बम फोड़ने वाली है और क्या है डिटेल इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए आपने, थैंक यू, आपने मेरे लिए छोड़ दिया अपॉर्चुनिटी बोलने के लिए अपनी भूमिका में ये चीज को ना रखते हुए। देखिए ऐसा है कि जो कई बार आपने कई कार्यक्रमों में सवाल पूछा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, तो इसके पीछे की बहुत बड़ी गुत्थी जो है वो लगभग सुलझ गई है। ये गुत्थी जब मैं आपको बता रहा था तो आप जितना चौंके थे उतना ही मैं भी चौंका था जब मुझे ये बताया गया। देखिए संजय जी, ऐसा हुआ मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2024 तक के बीच में जब जब भी जो मतलब चुनाव के पहले तक या चुनाव के बाद तक जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई है तब संघ से सलाह मशवरा किए बगैर संघ को बताया गया कि हमने इस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यही चीज अमित शाह के केस में हुई थी, यही चीज जेपी नड्डा जी के भी केस में हुई कि पहले मोदी जी ने उनको बना दिया और उसके बाद जो है संघ को सूचित किया कि हमने इस व्यक्ति को जो है पार्टी की कमान सौंप दी है। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने और नड्डा साहब ने संघ के साथ जो है मीटिंग में ये क्लियरली पहले बताया था इलेक्शन के पहले कि सारी चीजें कंट्रोल में है, सब नियंत्रण में है और आप चिंता ना करें, हम बहुमत के साथ आएंगे। देखिए संजय जी, संघ की कार्य करने की शैली जो है वो समझना जरूरी है। संघ के अंदर में बहुत सारे अनुसांगिक संगठन है, छोटे छोटे जो है काफी सारे संगठन जो है वो संघ से संलग्नित है। संघ एक एक किसी अपने अंग का अध्यक्ष यदि किसी को बनाता है
तो वो उसको पूर्णता स्वायत्तता देता है काम करने की। जैसे एक आर्मी में प्लेटून होती है, भाई प्लेटून दे दिया गया, अब वो प्लेटून को संभालने वाला आदमी वॉर में कैसे लड़ेगा ये उसके ऊपर में छोड़ दिया जाता है। यही काम करने की शैली संघ की है। संघ ने यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी के हाथ में दे दिया, या किसी के हाथ में विश्व हिंदू परिषद गया, या बजरंग दल गया, या भारतीय जनता पार्टी गई, तो ये उनके डे टू डे अफेयर में कहीं पे भी किसी भी तरीके से जो है वो नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इनको पार्टी चलाने के लिए 10 साल दिया गया, सॉरी सरकार चलाने के लिए मोदी जी को 10 साल का समय दिया गया, और किसी भी तरीके की कोई भी व्यवधान या नुक्ताचीनी उनके कार्य क्रियाकलापों में संघ ने जो है खड़ी नहीं की। किंतु जो ये 240 सीट आई, तो ये संघ सोचने पे मजबूर हुआ कि हमें जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, हमें जो बताया गया था कि भाई 400 हम अपने दम पे इजली ले आएंगे, या 350 हम अपने दम पे ले आएंगे, वो तो फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आया। तो यानी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, और बड़ी त्रुटि है। और बड़ी त्रुटि इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही बुरी तरीके से खिसक गई। वैसे ही जो आर्थिक रूप से सबसे सशक्त राज्य है महाराष्ट्र, वहां पे पार्टी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई। तो संघ ने कहा कि अब हमें निगरानी करने की जरूरत है। संघ 3 साल में एक बार जो है वो मीटिंग लेता है, और वहां पे जो ये सारे संगठन है उनके लोगों से पूछा जाता है कि हाँ आप अपने 3 साल के कार्य का लेखा जोखा दीजिए, ब्यौरा दीजिए। बस वही एक टाइम में पूछा जाता है, अन्यथा आप निर्विवाद रूप से आप अपने संगठन को चलाते रहिए और उसको आगे बढ़ाइए, यही संघ की सोच है। जब ये इनको 240 सीट मिली, तो संघ के बीच में बहुत गहरी मीटिंग हुई। मेरे को बहुत हाई और बहुत क्लोज लेवल के सोर्सेस से ये बात पता चली है। और अब संघ ने मन बना लिया है कि संजय जोशी, जो पूरी तरीके से हाशिए पे पहुंचा दिए गए थे, संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाए। ये जब मैंने सुना तो मतलब मुझे भी कुछ विश्वास सा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि मोदी जी और संजय जोशी जी के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा है, और मोदी जी ने कहा है कि भाई मेरे रहते हुए तो ये कहीं भी पार्टी में दूर दूर तक दिखने नहीं चाहिए। ये संजय जोशी जी वही हैं जो 36 साल की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी के कमरे में जाकर लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस्तीफा मांग के लाए थे कि आडवाणी जी आपने जिन्ना के बारे में और नेहरू जी के बारे में जो पाकिस्तान ने बोला है, संघ उस विचार से सहमत नहीं है, आपने हमारा विश्वास खो दिया है, आप इस्तीफा दीजिए। और आडवाणी जी इतने कदावर लीडर, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये ताकत थी संजय जोशी की 2006-2007 उस समय में। तो 2006-07 में मार्केट में कुछ ऐसी छल कपट किया गया, और कुछ ऐसी सीडीज जो है वो लेके आई गई, जहां पर दिखाया गया कि संजय जोशी जी किसी तरीके के गलत काम में जो है वो लिप्त है। परंतु जब लैब में वो सीडीज को भेजा गया, और जब उसकी जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि ये पूरी तरीके से कृत्रिम सीडी थी। ये पूरी तरीके से जो है संजय जोशी को डिस्काउंट करने के लिए उनके खिलाफ में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। परंतु तब तक खेल हो चुका था, और तब तक संजय जोशी जी को मतलब छल कपट करके जो है साइडलाइन कर दिया जा चुका था, बहुत देर हो गई थी। और उसके बाद से संजय जोशी जी किसी भी तरीके से ऊपर उठकर आए नहीं। अब ऐसा पता चल रहा है कि पिछले 2 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है, उसका एक मेन रीजन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है संजय जोशी के नाम पे, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे जो ये दो गुजराती बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये किसी भी तरीके से संजय जोशी के हाथ में पार्टी की बागडोर को नहीं सौंपना चाहते हैं। एक इन्होंने नाम बढ़ाया मतलब कंसेंसस बनाने के लिए सुनील बंसल जी का, किंतु संघ का कहना था कि सुनील बंसल जी को कोई जानता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहना था कि फिर विनोद तावड़े का नाम फ्लोट किया, तो संघ ने कहा कि भाई विनोद तावड़े जी जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है कोई बहुत ज्यादा, तो वो मुख्य भूमिका में रह सकते हैं परंतु प्रधान भूमिका में नहीं रहना चाहिए, नहीं रह सकते वो। तो इसलिए कंसेंसस जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में नहीं बन पा रहा है। इसीलिए
हमें यह दिखाई दे रहा है पिछले दो महीनों से कि किसी भी तरीके के नेशनल किसी भी तरीके के नाम का नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी संजय जी। अच्छा, ये कभी कभी मुझे ये समझ में आया कि राजनीति के कोई छोटी सी खबर कहीं पे पता चले, छोटे सूत्र पता चले, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, पहले तो सुनील बंसल जी बात बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेज में आई है उसमें सुनील बंसल का बहुत बड़ा योगदान है। संगठन का आदमी मास्टर है, कोई दो राय नहीं है। लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, संगठन तैयार करना, और मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे घर पे भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि विद्यार्थी परिषद में आप उससे पहले काम करते थे, सुनाते थे, मैं आया। एक दो बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत खबर छापते हो भाई। मैंने कहा ये अपना अपना काम है, देखिए जो सत्ता में होता है हमारा काम उससे सवाल पूछना होता है, हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन व्यवहार हमारा सुनील बंसल का बेहतर बना रहा हमेशा। योगी आदित्यनाथ से सुनील बंसल का 36वां आंकड़ा शुरू से, एक पैरेलल सत्ता के दो केंद्र थे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की टीम सुनील बंसल का बड़ा कस के विरोध शुरू से करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा करीबी एक अयोध्या के नेता है, चलो मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, रजनीश नाम है उनका। उन्होंने मुझसे कुछ महीने चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले मैं दिल्ली आया हुआ था, उनका फोन आया तो मुझसे बोला भाई आप दिल्ली में? मैंने कहा, बोला अगर फ्री हो तो संजय जोशी जी आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं चौंका, मैं कहा संजय जोशी? वो अच्छा चांस की बात है, मुझे उसी दिन फ्लाइट थी शायद, वरना मैं मिल भी लेता। मैं कहा संजय जोशी जी आजकल हैं कहाँ, गायब हो गए वो तो सेक्स सीडी के कांड के बाद से। बोले नहीं नहीं भैया, वो आजकल सक्रिय हैं चुनाव से पहले और एक कोर ग्रुप है उसमें लगातार संवाद कर रहे हैं। तो रजनीश जी, जब वो मुझे याद आया सर रजनीश दुबे की बात की, मेरे को फोन आया कि संजय जोशी मिल रहे हैं, फिर मुझे पता चला पुली मनोहर जोशी और कुछ बड़े प्रबुद्ध लोगों के नाम मुझे पता चले कि संजय जोशी उनसे मिले हैं। अब योगी आदित्यनाथ का करीबी आदमी कह रहा है कि संजय जोशी एक्टिव है, वो मिलने गया, तो मुझे अब मुझे वो सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब संजय जोशी एक्टिव थे, भूमिका में थे, ये था कि अगर लोकसभा चुनाव में और बुरी हालत होगी तो एक बाकी जो कोर लोग हैं उनको जोड़ा जाए। मुझे बताइए कि आपने जो बताया कि संघ के बड़े लोग चाहते हैं कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो संजय जोशी सालों से बीजेपी से बाहर है, एक ऐसा व्यक्ति का नाम चलाने का मतलब क्या है? संघ ऐसा क्यों सोचेगा? मतलब कि क्या कारण है कि वो अचानक कहेगा कि भाई संजय जोशी को बना दो? जो आदमी सालों से बिल्कुल हाशिए पे है, सालों से उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ क्यों चाहेगा ऐसा? देखिए उसके दो कारण है। पहला तो वो संघ के ही आदमी है, संघ के बहुत क्लोज है और संघ के हर नियम कानून मर्यादा के अंदर में रहते हुए उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, जो भी उनको काम दिया गया है उन्होंने बखूबी निभाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक संजय जोशी जी नहीं आएंगे, मैं नहीं रहूं तो भले ही आप ले आओ, तो यदि उनको लेके आया गया तो ऑटोमेटिकली ये सिग्नल रहेगा कि भाई अब आपके जाने का समय आ गया है, अब आप जो है 75 साल के होने वाले हो, अब आप जो है रिटायरमेंट स्कीम जो है ना उसकी तरफ जरा अपना ध्यान कीजिए। तो इससे क्या होगा कि भाई दोनों के दोनों जो है जो सिग्नल्स देना है वो दोनों ही सिग्नल हो जाएगा, एक सिग्नल चला जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो संघ के लोग हाशिए पे लेके चले, मतलब पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता जो हैं जो हाशिए पे चले गए हैं, अब वापस से उनको केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो मोटिवेशनल लेवल जो गिरा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। देखिए संजय जी इस बात को समझिए, अशोक चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, ये सारे के सारे लोग बाहर से आए और एकदम प्लम पोस्ट जो बोलते हैं, एकदम मलाई वाली जो जगह जो है वहां जाके बैठ गए हुए हैं, नारायण राणे। तो इस चीज से संघ के अंदर के लोग बहुत व्यथित है। और आपने देखा होगा मेरी एकनाथ खड़से जी से, सॉरी मैंने नाम ही ले लिया, लेना नहीं चाहिए था, पर मेरी कुछ दिनों पहले इनसे बात हुई थी फोन पे और वो बड़े व्यथित मुझे नजर आए, मतलब ये एक हफ्ते पुरानी बात है। मैंने उनको उनसे पूछा था कि भाई आप जो हैं, आपने वहां से तो रिजाइन कर दिया एनसीपी से, तो आपकी फॉर्मल एंट्री कब यहाँ होने वाली है, तो और आप एंट्री चाहते भी कि नहीं चाहते? तो बोलते अगर मैं एंट्री नहीं चाहता तो इनको कभी महाराष्ट्र में, उत्तरी महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वहां कभी भी दो सीटें रावेर और जलगांव दोनों खर्चे आपके कारण भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, 9 में से 2 सीटें, नहीं तो इनकी आती नहीं थी। तो बोले मैं इच्छुक हूं
किंतु किसी कारणवश जो है मेरी एंट्री नहीं हो पा रही है और बहुत व्यथा में हूं मुझे दिखे। और आप इस बात को समझिए, जब ये एकनाथ खड़से जैसा व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है, मतलब जिस वक्त ओबीसी मराठा इस समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझते थे, हाथ तक नहीं लगाते थे, उस वक्त में इन लोगों ने जाके जो है पार्टी, मतलब एकनाथ खड़से जी ने इस पार्टी का दामन थामा है और जमीनी स्तर जो ग्रासरूट लेवल बोलते हैं उस पर इन्होंने बहुत काम किया। देवेंद्र फडणवीस तो उनसे बहुत जूनियर है, विनोद तावड़े बहुत जूनियर है, पंकजा मुंडे बहुत जूनियर है, मतलब जूनियर लोगों को इन्होंने अपने सामने बढ़ते हुए देखा। पीयूष गोयल मतलब कहीं दूर दूर तक नहीं लगते। तो एकनाथ खड़से जो हैं, वैसे सीनियर आदमी को जब आपने दरकिनार किया है, और इसी तरीके से संघ के करीबी बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जो मूल कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो एकदम दूर कहीं छिटक दिए गए, दूर कहीं पटक दिए गए। उन लोगों के बीच में एक सिग्नल, एक मैसेज डालना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है अपने बिगड़े हुए बच्चे को कि सुधर जाओ और जो मेरी दूसरी संतानें हैं उनको वापस से अपने पास में लेके आओ। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए सिग्नल होने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होने वाला है। संजय जोशी के नाम पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिद करके बैठ गया है और यही कारण है कि पिछले दो महीने से जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं देख रहे हैं। और शायद इस चीज का निपटारण उसी दिन होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने दम पे समझ लेंगे कि 272 सीट जो है मैं अपने दम पे रख सकता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन हो सकता है कि किसी और का नाम की घोषणा हो, अन्यथा संजय जोशी जी का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। जी संजय जी, आप तो बिल्कुल आज बम फोड़ने के मूड में आए, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना घटनाक्रम घट सकता है। लेकिन मुझे फिर याद आ रहा है कि संघ भी बातें भूलता नहीं है, संघ भी बदला लेता है, जो उनके संघ किया जाता है वो उसका पलट के जवाब देता है। जेपी नड्डा ने कह दिया हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत थी तब थी, अब नहीं है, वो चुनाव से पहले कह दिया। तब तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना, क्योंकि रोज रात को अंजना ओम कश्यप और रूप का लियाकत और सुधीर चौधरी कहते थे 350, 400, 400 पार बन गए महामानव प्रधानमंत्री, कोई जरूरत ही नहीं किसी की, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस से कहते थे ना, तो किसी को भी लग जाए कि हाँ भैया ये जो अपने बालक है, अपने चिंटू मिंटू हैं, ये सब तो भी कह ही रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो 400 पार हो गए। उस कॉन्फिडेंस में जेपी नड्डा का ये कह देना कि हमें जरूरत ही नहीं है संघ की, ये तो संघ का अपमान है। भाई विपक्ष भी इतने तीखे तीखे नहीं कहता कि संघ की हैसियत नहीं है, संघ की औकात नहीं है, लगभग उस बात का मतलब यही है कि संघ की हैसियत क्या है। तो जेपी नड्डा ने जो बताया था संघ की हैसियत क्या है, तो संघ अब क्या संजय जोशी को आगे करके, संजय जोशी का नाम चला के संजय जोशी अध्यक्ष हो सकते हैं, इसकी चर्चा ही बहुत खतरनाक है, हो या ना हो, लेकिन संजय जोशी अध्यक्ष हो सकते हैं, इसकी चर्चा से तापमान बढ़ गया होगा अमित शाह का, नरेंद्र मोदी जी का। ये करके क्या जेपी नड्डा के बयान से संघ हिसाब किताब बराबर करना चाह रहा है? देखिए आपको संघ का काम करने का ये तरीका नहीं है कि वो बाहर मार्केट में जो है न्यूज फ्लोट करके प्रेशर क्रिएट करे। ये तो बहुत करीबी स्रोत हैं जिनके थ्रू मुझे ये बात पता चली, दो महीने से तो मुझे भी नहीं पता था, आपने कई बार मुझसे ये सवाल पूछा और आप देखेंगे कि नेशनल मीडिया में कहीं पे भी ये खबर नहीं है। अब आगे चलेगी, अब हमने बोल दिया 4 PM के मंच पे आ गया है तो जरूर इसको दूसरे लोग उठाएंगे अलग अलग जगह से कंफर्म करके। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये शो आप देख रहे हैं तब तक पूरे देश में कहीं संजय जोशी का नाम नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में, किसी यूट्यूब पर संजय जोशी का नाम नहीं है। लेकिन आज का हमारा शो जो आप सुबह 6 बजे देख रहे हैं, इसके बाद आपको कई प्लेटफॉर्म पे संजय जोशी की चर्चाएं मिल जाएंगी। मैं घमंड और अहंकार से नहीं कह रहा, विनम्रता से हाथ जोड़ के बता रहा हूं कि 4 PM के ऐसे खुलासों से बाकी भाई लोग ज्ञानी बनते हैं, वो कॉपी करते हैं, फिर वो अपना धंधा चलाते हैं हमारी बातें सुन के। क्या ये घमंड बिल्कुल नहीं है, तो घमंड मत लीजिएगा जी, प्लीज राजीव जी आप कुछ बता रहे हैं। नहीं संजय जी, उल्टा कॉपी कुछ करेंगे और कुछ लोग खंडन करेंगे और कुछ लोग मखौल भी उड़ाएंगे, ठीक है, पर इसी चीज को लेके, मतलब जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बेस बन जाएगा, तो ये क्योंकि फैक्ट है, ये न्यूज जो है बहुत ही गंभीरता से, मैं आपने दो महीने में कितनी बार मेरे से सवाल पूछा और मैंने हर बार बोला कि भाई विनोद तावड़े का नाम चल रहा है,
कभी ओम माथुर का नाम चला, क्योंकि ये नाम थे। अभी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, संघ जिस जिद में है हो सकता है कि उसको थोड़ा सा टर्न डाउन करने के लिए, उसको थोड़ा सा कूल करने के लिए जो है शिवराज सिंह चौहान का नाम कोई फ्लोट करे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। किंतु प्रॉब्लम यह कि नरेंद्र मोदी को वो भी स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, नरेंद्र मोदी को ना संजय जोशी चलते हैं ना शिवराज सिंह चौहान चलते हैं। तो यही कारण है ओम माथुर जी का नाम लिया जा रहा है, विनोद तावड़े जी का नाम लिया जा रहा है, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस का भी नाम इन लोगों ने बढ़ाया था। धूमल जी के जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इनके बहुत एहसान है मोदी जी के ऊपर में। जब गुजरात से हटाया गया था मोदी जी को तो हिमाचल प्रदेश गए थे और प्रेम धूमल जी जो है उनके एहसानों के कारण ही जो है अनुराग ठाकुर जी को आज इतना वेटेज मिलता है, ठीक है, उनके स्टेटमेंट को ट्वीट करते प्रधानमंत्री। तो अनुराग ठाकुर जी का भी नाम बढ़ाया गया था, किंतु संघ ने एकदम क्लियरली रिजेक्ट किया ये सारे नाम। तो कहने वाली बात ये है, संजय जी आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि सिर्फ ये नाम के ऊपर में चर्चा करने से ही क्या तापमान बढ़ जाएगा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का। मेरा मानना है बिल्कुल यही कारण है, और यही कारण है कि 2 महीने से जो है ये नाम सुनने में नहीं आ रहे। और हरियाणा में यदि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार जाती है, चुनाव हार जाती है, तो आप ये समझिए कि संजय जोशी को कैसे नहीं बनने देंगे ये भाजपा का अध्यक्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेशर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे कहा कि अगर चुनाव हार जाती है हरियाणा में भाजपा, तो आपको क्या शक है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी हारेगी नहीं, कुछ डाउट लग रहा है आपको? डाउट है, कांग्रेस सेल्फ गोल करने में बहुत माहिर है, कांग्रेस अभी तक नहीं किया, पर मुझे वही डर है लास्ट मोमेंट पे कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे। कांग्रेस जो है वो बड़ी सशक्त, हमेशा शुरुआत में बड़ी शक्तिशाली नजर आती है, पर इसके अंदरूनी इतने फैक्शंस हैं, इतने लोगों के बीच में आपस में लड़ाई रहती है, ये यदि अपनी लड़ाई को दरकिनार कर दें तो मैं आज बता रहा हूं पार्टी का फिर से उत्थान हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। बट इतने अलग अलग इसके अंदर में फैक्शंस हैं कि ये आपस में कभी भी जो है एक सामंजस्य स्थापित करके कार्य नहीं कर। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के इनके बीच में एकता की है, शैलजा जी, अपना हुड्डा जी, सुरजेवाला, ना जाने कितने फैक्शन है वहां पे। राहुल गांधी ने बैठा के समझाया इन लोगों को कि भैया जीतोगे तो सभी का फायदा, हारोगे तो किसी का भी फायदा नहीं, और पार्टी का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं, तो कम से कम पार्टी के बारे में सोचो। तो ये मेरे ख्याल से सद्बुद्धि जो है, और यही सेम चीज महाराष्ट्र में भी वो कर रहे, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र में लोकल लीडर्स बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि 150 से कम सीटों पे कांग्रेस लड़े। राहुल गांधी जी ने समझाया कि भाई हमको और 2 लोगों को अकोमोडेट करना है, तो सिर्फ कोई कांग्रेस अकेले अपने दम पे नहीं लड़ रही है। तो यहां तक कि राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता हो जाए इस पे भी वो प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप ये समझिए वो शीर्ष पे बैठा हुआ जो आदमी है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से सामंजस्य हो इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों में और पार्टी के अंदर जो अलग अलग फैक्शन है इनके बीच में। परंतु अगर पार्टी के अंदर के ही लोग जो है वो सेल्फ गोल करने पे ये हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी चीज, जिस तरीके से हरियाणा में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट ये सब डेवलप हो रहे हैं, और जो ये वोट कठुआ की भूमिका निभाने वाले हैं धन बल की मदद से, मीडिया की मदद से, और जो वहां सरकारी तंत्र है उसके कारण मुझे थोड़ा सा एक भय लग रहा है कि शायद कहीं इलेक्शन टिल्ट ना हो जाए। अन्यथा जितने भी लोगों से अभी तक मैंने हरियाणा में बात की है, लग तो रहा कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगा। शर्त एक ही है कि कांग्रेस खुद ही अपने गोल में जो है ना, मतलब अपने गोल पोस्ट में खुद ही गोल ना मार दे। जी संजय जी, तो ठीक बात है। हम लोगों ने 4 PM हरियाणा लॉन्च किया था, हमारे तेजतर्रार रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत। आप सब दर्शक जो हैं वो हरियाणा की खबर देखना चाहें तो 4 PM हरियाणा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्षितिज की बहुत एक्सक्लूसिव खबरें रोज वहाँ रहती हैं। क्षितिज मुझे बता रहे थे कि बड़ा बुरा हाल है लोगों में, किसानों में, ग्रामीणों में इतना गुस्सा है बीजेपी के प्रति, गोदी मीडिया नहीं मान रहा अभी भी वो हरियाणा को लेकर तरह तरह के एंगल चला रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ गई होगी। बीजेपी के 5 दर्जन नेताओं से ज्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ दी, पिछले वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, मिनिस्टर, जहां डूबता है चूहे भागते हैं ना। हरियाणा में बीजेपी को हाथ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग कि बीजेपी ऐसा हो गया। जेजेपी का तो बुरा हाल कर ही दिया बीजेपी ने, कहा भी है कि जो बीजेपी के साथ घी पार्टी उसकी तो बैंड बजी बजी।
क्या लगता है ये बीजेपी का जो भगदड़ मची हरियाणा में उसके पीछे क्या कारण है? देखिए संजय जी, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये नजर आया है कि किस तरीके से जाट प्राइड, जैसे महाराष्ट्र में मराठा प्राइड को भारतीय जनता पार्टी ने ठेस पहुंचाई है, वैसे हरियाणा में जाट प्राइड को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई है। और ना केवल जाट प्राइड बल्कि हिंदू प्राइड को भी ठेस पहुंचा है, जिस तरीके से हिंदू औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, जिस तरीके से वो हिंदू औरतें जिन्होंने इस राष्ट्र का मान सम्मान एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक तक में बढ़ाया है, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, जब ये लोगों के सामने आया, जब लोगों ने देखा कि उन हिंदू औरतों के आंखों में अश्रु हैं, तब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू प्राइड से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है कि हर चीज के केंद्र में धर्म है, किंतु ये धर्म केंद्र में तभी तक रहता है, गर्भ में तभी तक रहता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं तो लोग ये देख रहे हैं कि केंद्र में गर्भ में धर्म के बदले अर्थ आ जा रहा है, और अर्थ आके जो है वो पूरी तरीके से धर्म को कवर कर दे रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, और उसी के फलस्वरूप आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है, जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, संजय जी ये भी किसी भी पॉलिटिकल पंडित ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष पे स्वरूप चेंज हो रहा है। आप देखिए हरियाणा में खट्टर साहब जो एक बनिया है उनको ऊपर लेके आया गया, फिर नायाब सैनी जी को लेके आया गया, नरेंद्र मोदी ऐसे ओबीसी पे है पर बनिया कम्युनिटी के ही है, अमित शाह जी जैन धर्म को मानने वाले हैं पर है वो भी बनिया को बिलोंग करते, वही व्यापारी कम्युनिटी है, बिहार में जो नए राज्य अध्यक्ष बनाए गए संजय जायसवाल वो भी फिर आपके उसी कम्युनिटी के बनिया कम्युनिटी के आते हैं। तो लोगों को ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये अमीर थैले वाले मनी बैग्स इनकी पार्टी बनती जा रही है, और जनता जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। सुनील बंसल जिनकी आपने बात की कि उत्तर प्रदेश में उनके हाथ में कमान रही है, वो भी बनिया कम्युनिटी के हैं। तो इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है ऐसा लगने लगा है लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल कार्यकर्ताओं को, कि भारतीय जनता पार्टी को बनियों ने, मनी बैग्स ने, जिनके पास में पैसा है उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो ये धर्म जो अभी तक केंद्र में था भारतीय जनता पार्टी की एकता के लिए, अब वो धर्म को अर्थ ने रिप्लेस कर दिया है। और मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे किसी भी पॉलिटिकल पंडित का इन चीजों के ऊपर में ध्यान नहीं जा रहा। आज हमने चर्चा की, आप देखिए ये भी चर्चा में अब आ गया है। जी संजय, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ रहा, जानबूझ के कैसे कैसे लोग हुए हैं, वो जो गोदी मीडिया की ध्वज नायिका है नाविका कुमार जी, पता ही रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चल रहा है आज, तो जैसे सीनियर जर्नलिस्ट उनको गुस्सा आया, आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो प्रोग्राम हुआ मतलब तूतू में हुई, नाविका कुमार काट सकती थी, रिकॉर्डिंग था वो, बाद में आपको रीच करती थी, लेकिन जानबूझ के वो लड़ाई को टाइम्स नाउ चला रहा है, क्योंकि चैनल पिट गया है, चैनल की टीआरपी नीचे आ गई है, तो जानबूझ के उसको दिखाया जा रहा है कि भाई लोगों को लड़ाई में मजा आए। क्या हो गया इन गोदी मीडिया के चैनलों को? देखिए संजय जी, पहले लोगों को गोदी मीडिया के एंकर को देख के गुस्सा आता था, फिर लोगों को घृणा आने लगी, अब लोगों को दया आ रही है, मेरे जैसे लोगों को दया आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई नविका कुमार जो है अबला नारी है, उनको अपना घर तो चलाना है ना भाई, कैसे पापी पेट परिवार के लोगों का तो भरना है ना, तो नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे अपना परिवार चलाएंगी वो। अंजना ओम कश्यप जो है, इनकी क्या गलती, मुझे दया आती है इनके ऊपर में, भाई इनको अपना परिवार चलाना है, इनको अपना अपने परिवार के लोगों का पेट भरना है, तो उसके लिए जो है वो तमाम तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ में। तो मुझे अब इनके ऊपर में दया आने लगी है, मुझे तो गुस्सा बिल्कुल आता नहीं, और मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को अब ऐसा ही लगने लगा, उनको अब ये गोदी एंकरों पे दया आ रही है, उनको लग रहा है कि बेचारे किसी भी तरीके से ही, मतलब ये लोग अपना परिवार अपना पेट पालना चाहते हैं और इसी मतलब किसी भी तरीके का उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। जहां तक बात रही आनंद रंगनाथन और आशुतोष जी के बीच के तूतू मैमे को दिखाने की, आपने एकदम सही पिन पॉइंट किया कि ये तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आप हटा सकते थे, आपको जरूरत नहीं था इसको वायरल करने के लिए, आप क्यों वायरल कर रहे हो? क्या आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई है चैनल की
कि आप इस तरीके की चीजों को दिखा के अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं? आई मीन किस हद तक गिरेंगे? मुझे तो मतलब इनके गिरने का जो डेप्थ है वो भी अब समझ में, मरीना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में, जो बोलते हैं कि पूरे इस अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मुझे लग रहा है ये गोदी मीडिया वो मरीना ट्रेंच के भी डीपेस्ट पॉइंट से नीचे चला गया है मतलब। और अब इन लोगों के ऊपर में दया आने लगी है, गोदी मीडिया के एंकरों के ऊपर में, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए आशुतोष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे मैसेजेस भी एक्सचेंज होते हैं, पर मेरे उनसे कई जगहों पे वैचारिक मतभेद है और इसलिए मैंने सत्य हिंदी पे जाना बंद कर दिया है, परंतु वो मेरे मित्र हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ही लाइक्स मी, आई लाइक हिम, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई आप जो हैं, आप क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे आपको बोलने का भरपूर मौका नहीं दिया जाता है, जहां पे आपको जो है जोकर बनाने के लिए बुलाया जाता है, जहां पे आपकी आवाज को दूसरे लोग दबाते हैं, आपको बोलने का समय तक नहीं दिया जाता है और आपका मखौल और मजाक उड़ाया जाता है। मतलब ऐसी आशुतोष जी की क्या मजबूरी है भाई? आप तो एक प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी को वहां जाना बंद करना चाहिए। और जहां तक गोदी मीडिया का सवाल है, संजय जी आपके और मेरे इंटरव्यू को लाखों लोग देखते हैं, कोई भी ऐसा इंटरव्यू आज तक संजय शर्मा जी के साथ में 4 PM के चैनल पे मेरा नहीं हुआ है जिसको लाखों लोगों ने नहीं देखा हो, परंतु ये गोदी मीडिया के चैनल यदि आप इनको देखेंगे 15,000, 20,000, 25,000 बहुत हो तो 50,000, इससे ज्यादा इनको व्यूज मिलते ही नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बुरी स्थिति से ये, किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। जी संजय, बहुत मजा आया इतनी सारी जानकारी देने के लिए, शुक्रिया राजीव भाई। कुछ और मालूम पड़ते रहिएगा, संजय जोशी जी का तापमान और उनके तापमान के चलते मोदी जी और अमित शाह का तापमान कितना बढ़ रहा है बताते रहिएगा। थैंक यू भाई। तो ये राजीव रंजन जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, बहुत धमाके थे इस बातचीत में। राजीव रंजन जी और जानकारी जुटाएंगे, संघ के बड़े सूत्र उनके पास रहते हैं, मुझे बताइएगा जरूर ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।